फ्रेंड्स वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे देखेंगे अपडेट लेकर के प्रेजेंट हैं कि राशन कार्ड केवाईसी अपडेट 2024 सभी लोगों को फ्री राशन मिलना बंद, जल्दी से करें ई केवाईसी। तो लगातार चैनल बने रहिए, अपडेट हम प्रोवाइड करते रहेंगे। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजी से प्रोवाइड हो जाए। राशन कार्ड योजना एक प्राचीन योजना है जिसमें केंद्र सरकार नियमित अंतराल पर जो है विभिन्न प्रकार के संशोधन करती है और इस संशोधन के माध्यम से लोगों को निरंतर रूप से बिना किसी परेशानी के राशन कार्ड के विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं। हाल ही में बता दें खाद्यान्न सुरक्षा मंत्रालय ने संशोधन को जारी किया है जिसके अनुसार जो है राशन कार्ड धारकों को अपने कार्ड में ई केवाईसी अपडेट करवाना आवश्यक है। जिन लोगों ने इन प्रक्रिया को पूरा नहीं किया उन्हें राशन कार्ड के लाभ से वंचित किया जाएगा। अब अप्लाई में आपको करना है क्या क्या, टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेंगे। राशन कार्ड केवाईसी अपडेट 2024, घर बैठे राशन कार्ड की केवाईसी कैसे करें और राशन कार्ड केवाईसी अपडेट जरूरी है और राशन कार्ड केवाईसी के लिए दस्तावेज क्या होना चाहिए, राशन कार्ड की केवाईसी अपडेट कैसे करें, तो सारा अपडेट इस वीडियो में हम देने वाले हैं। लगातार वीडियो स्किप नहीं करिए, लगातार बने रहिए। राशन कार्ड केवाईसी अपडेट 2024 सबसे पहले बात करते हैं। तो राशन कार्ड के लिए सभी लाभार्थियों को बेनिफिशियरी लिस्ट में जो है अपनी निर्धारित बात करें दोस्तों, तो लाभार्थी का निर्धारण समय के भीतर ही ई केवाईसी पूरा करनी होगी जिसके बाद ही आप लोगों को माह से निरंतर रूप से राशन कार्ड की सुविधा जो है मिलेगी। सभी व्यक्ति आसानी से किसी भी ऑनलाइन साइट या एप्लीकेशन की मदद से केवाईसी अपडेट कर सकते हैं और राशन कार्ड धारकों के लिए केवाईसी करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जो है उनकी मुख्य जानकारी को अपडेट किया जा सकता है। अगर जो है किसी भी अन्य प्रकार का लाभ राशन कार्ड में जोड़ा गया है तो उसके लिए भी केवाईसी करना आवश्यक होता है। घर बैठे राशन केवाईसी कैसे करें। यदि राशन कार्ड धारकों के पास जो है अपना एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है तो उन्हें ई केवाईसी अपडेट करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वह जो है घर पर बैठे ही कर सकते हैं और घर बैठे ई केवाईसी करना बेहद ही आसान है जिसमें जो है मुख्य भूमिका आपके मोबाइल की होती है और आपके एंड्रॉयड मोबाइल में जो है प्ले स्टोर ऐप्स तो होंगे ही जिसमें से आपको मेरा राशन ऐप्स डाउनलोड करना होगा और आवश्यक होगा कि इन ऐप्स के माध्यम से आप आसानी बिल्कुल अपनी पूरी ई केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। राशन कार्ड अपडेट के लिए जो है इस ऐप्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेना चाहिए। राशन कार्ड केवाईसी अपडेट की बात करें तो जरूरी है, राशन कार्ड धारकों के लिए केवाईसी करवाना बेहद ही जरूरी है क्योंकि इसके माध्यम से उनकी पहचान सत्यापित होती है। खाद्य सुरक्षा मंत्रालय द्वारा राशन कार्ड की केवाईसी इसलिए करवाई जाती है ताकि लाभार्थियों की स्थिति को जानना सके और यदि कोई भी राशन कार्ड धारक व्यक्ति मृत हो गई है या किसी भी कारणवश उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है तो ऐसे व्यक्ति का जो है लाभ बंद कर दिया जाता है और उसके अलावा जिन व्यक्तियों के लाभ प्राप्त करने में कोई समस्या होती है उनकी जो है समस्याओं का समाधान भी ई केवाईसी के माध्यम से किया जाएगा। बात करें राशन कार्ड के केवाईसी के लिए दस्तावेज, तो राशन कार्ड की केवाईसी अपडेट की प्रक्रिया मुख्यतः राशन कार्ड धारक के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर की सहायता से पूरी की जाती है और इस प्रक्रिया के दौरान जो है आपके मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के आवश्यकता होती है कि इन्हीं नंबरों के लिंक होने के बाद ई केवाईसी पूरी तरह से जो है यदि आप राशन कार्ड धारक हैं तो आपके पास अपना बैंक खाता होना भी आवश्यक है क्योंकि राशन कार्ड के कई लाभ सीधे आपके बैंक खाते में जमा किए जाते हैं। इसके अलावा आपका जो है मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर भी आपके बैंक खाते से
जुड़ा होना चाहिए ताकि केवाईसी की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की जा सके। राशन कार्ड केवाईसी अपडेट कैसे करें? राशन कार्ड धारकों के लिए केवाईसी करने के लिए जो है पहले मेरा राशन कार्ड एप्स स्टोर प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा। एप्स डाउनलोड होने के बाद उसे ओपन करके और उसमें जो है आधार सेटिंग विकल्प का चयन करें और अगले पृष्ठ पर जो है आपको एप्स में अपना आधार नंबर और राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा और आपके राशन कार्ड नंबर की बेनिफिशरी के लिए बाद में स्क्रीन पर आपको ई केवाईसी से संबंधित सभी जानकारी दिखाई दी जाएगी और इस जानकारी के माध्यम से जिन सदस्यों की ई केवाईसी है उनके सामने हाँ लिखा होगा, यस होगा, जिसमें कि ई केवाईसी नहीं है उसके माध्यम से आप जो है ना लिख सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि सदस्यों की ई केवाईसी ना हो तो उन्हें अधिकारी वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन ई केवाईसी पूरी करनी होगी दोस्तों। तो इस तरह की अपडेट पाने के लिए लगातार हमारे चैनल बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।